सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश का प्रांतीय संरक्षक। पंडित जी, आज किस तरह का कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है? ये सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के जनपद शाखा नलकूप खंड प्रथम वाराणसी के नवनिर्वाचित पदाधिकारी, जिनका गठन 18 नवंबर को हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में उनको शपथ ग्रहण कराने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम में हमारे सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी शपथ ग्रहण किए हैं, और शपथ ग्रहण करने के बाद ये अपने सदस्यों और अपनी समस्याओं के लिए विभाग और शासन स्तर पे उसे रखेंगे और उसके लिए संघर्ष करते हुए पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा संघर्ष फिर उपेक्षित की ओर जाने लगे। सबसे बड़ा मुझे कष्ट यह है, जो नए चयन हमारे अभ्यर्थी आए हैं, जो नए चयन हमारे कर्मचारी साथी बंधु आए, अभी आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ेगी और उस समय आपको जब पेंशन, जैसा भी आज चर्चा हो रही है, हम लोग मीडिया साथियों से मैंने चर्चा किया, पेंशन की स्थिति जो हम लोग देखते हैं, तो बहुत बड़ा कलंक लेकर के जो हम लोग करते हैं प्रदेश स्तर के, इसके हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। जब 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको पारित किया, पारित तो 2005 से ही था, लेकिन 2013 में जाके इम्प्लीमेंट किया हुआ था, तो हम लोगों ने उत्तर